व्हाट इज अप वांटेड आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। और भैया देखो, आज की वीडियो में ना देखो कुछ बूम बाम डूम नाम कुछ नहीं है। स्टार्टिंग कैसी लगी बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। और आज की वीडियो में ना भाई कतई लास्ट में जाते जाते आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और अपने इंट्रो से पहले ट्रेलर में भी देख लिया होगा कि भाई पूरा सर्वाइवल होने वाला है। सर्वाइवल करने की टिप्स एंड ट्रिक्स पाने वाला हूँ मैं। सिर्फ दो बैंडेजेस के दम पे इस एरिया से लेके मिलिट्री बेस तक गया हूँ, और भाई कैसे गया हूँ वो सब आपको देखना पड़ेगा। उससे पहले भैया देखो, हमारे कंपाउंड में हो जाता है हमारा 1v1 गन फाइट, और थैंक यू सो मच फॉर 1 लाख व्यूज हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जरा अपना पैन ट्रिक की जगह में बस वो थी छुरी, तो वो ट्रिक यूज़ करके मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था कि साथ वाले कंपाउंड से एक्चुअली में एक बंदा पुश कर देता है। पहले मुझे लगा कि वो बॉट है, लेकिन जब वो असली होता है तो भाई क्या ही फटती है। तो जरा देखो, पहले पीछे वाले भाई को निपटाएंगे, उसके बाद जरा आगे वाले भाई से पंगे लेंगे। अब यार यहाँ पर ना ही मेरा ध्यान था ना ही उस भाई का ध्यान था, तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्कारल मिल गई है। ओ माय गॉड, वाह हो गए। तो देखो भाई, ये होती है लक फैक्टर की बात, ठीक है। हमें स्कारल मिल चुकी है, अब इस भाई के ऊपर हमने पुश कर दिया। और ये भाई भाई मतलब बहुत अग्रेसिव प्लेयर, बहुत अच्छा खेल रहा था। ऊपर इसने होल्ड किया था, नीचे मैंने होल्ड किया था, और लिटरली हमने होल्ड ही किया है। वो तो लास्ट में मैंने शर्म खा ली कि चलो भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे शायद पुश करना चाहिए, नहीं तो लोग कैंपर बोलेंगे। तो जरा देखो कैसे बन के आता है वाला फाइट हमारा। 2000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, a few moments later. नहीं नहीं नहीं, नो नो प्लीज़, ज़्यादा बेइज्जती मत करना। आई नो कोई बड़ा काम नहीं किया हमने। तो यहाँ पर भाई यार काफ़ी थोड़ा डैमेज रहता है, और देखो जरा बाद में इसको कैसे निपटाया जाएगा। अब भाई देखो ये चीज़ है, मैं आपको काफ़ी बार पहले कह चुका हूँ कि जब आप एक पोजीशन होते हो ना और आपकी एचपी लो होती है, तो 2-3 कदम या फिर 2-3 वॉल्स पीछे हो जाएगा। और उससे यही फायदा होता है कि बंदे को लगता है आप उसी वॉल के पीछे हो, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन बैठेगा, जिससे आप इसी उसको निपटा देते हो। अब भाई ऐसे ही देखो आगे तक जाके ना, ये तो किलिंग की होगी, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन अब सर्वाइवल का आपको बताने वाला हूँ। इतने में देखो भाई हमें गाड़ी नहीं मिलती है। पहली बार मैंने गलती की थी, मैं पहले गाड़ी की जगह कंपाउंड में उतर गया था। आपको पहले बता चुका हूँ, ऑलवेज गाड़ी पकड़ो कंपाउंड से पहले। अब वही बीटी होगी भाई, देखो गाड़ी हमारे पास है नहीं, और यहाँ पर जरा हम गाड़ी लेने आए थे तो एक ओपन से बग्गी वाला हमारे ऊपर पुश कर देता है। और ये बगी वाला भाई क्या ही डैमेज दिया इसने, मतलब इसने परेशान कर दिया भाई, पूरा परेशान कर दिया। नाक के अंदर ना ऐसे उंगली डाल के फिर बंद कर दी नाक, मतलब पूरा दम कर दिया नाक में यार, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। अब इसके बाद देखो भाई यहां पर थोड़ा बहुत जितना हीलिंग का मटेरियल था हम लगा रहे थे कि चलो ठीक है, और इसके बाद हो जाती है ये हरकत। अब इसके साथ मैं जरा एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा भाई। देखो सिंपल सी बात है, मैं खेलता हूँ पोको F1 में, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी चाहिए ऑन वीडियो, ठीक है। आप में से सब नहीं, एक या दो बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कमेंट कर रहे हैं नीचे वो थोड़ा फालतू का भी बोल रहे हैं। तो भाई देखो समझ जाओ, हेटर बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पोको का प्लेयर हूँ, आपके सामने स्क्रीन है। अगर आपको अभी भी फेक लगता है, आपको लगता है आईफोन यूज़र हूँ, तो भाई मान लो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी देखो जलने वाले जलें, लेकिन थोड़ा साइड से चलें। अबे दल्ले फिर से आगे ओ करते हुए, भाई तुम्हें किसने बुलाया, मुझे कुणाल कामरा बनाओगे क्या अपने जोक्स पर ओ करवाने वाला। तो ठीक है भाई, देखो यहाँ पर हमने पेल दिया, और आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि भाई मैं पोको यूज़र हूँ, जिनको पता उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता क्या ही करें। अब यहाँ पर जरा अपना वाईफाई इशू थोड़ा ठीक होता है, मुझे लगता है ये बंदा यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन लिटरली इस बंदे ने 5 मिनट तक यहाँ पर मेरा वेट किया। अब देखो भाई इसको थोड़ा बहुत मतलब 1v1 फाइट हो रहा था, और मेरा जो जायरो सेंसी है 4x का वो थोड़ा कम था, जिसकी वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पाया प्रॉपर अपनी गन। तो ये बंदा इतने में यहाँ से निकल लेता है, क्योंकि इसके पास शायद बैंडेज वगैरह का थोड़ा कम ही रहा होगा। तो इतने में भाई यही शो हो जाता है, देखो हमारे पास व्हीकल नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें ऐसे जूम मतलब एज अ फ्लैश ना जो स्पीड हैक होता है, सच ना मान लेना भाई, स्पीड मैंने बढ़ाई है वीडियो की, कहीं भाई रिपोर्ट चले जाए पहली बारी। तो अब देखो भाई यहाँ पर हम तो पूरा फुल बूम बाम भाग रहे हैं, क्योंकि देखो है नहीं, फट रखी है पूरी तरह से, बैंडेज सिर्फ 2 रह गई हैं और कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, गाड़ियों का जो आपको स्पॉट पता है ना जहाँ पर स्पोन होती हैं, उस तरफ जाओ, और रस्ते में आते हुए जितने भी कंपाउंड है उसमें ग्राउंड फ्लोर लूटते रहो। इतने में भाई लास्ट में एक ऐसी चीज़ मिलती है, एक ऐसी सुहानी आहा, मतलब जिसको इतनी गालियाँ देते थे ना, आज उस चीज़ पर दिल आ गया, वो है ये 3 पहियों वाली गाड़ी।
मतलब एक बार जब तो मैंने ये सोचा था कि भाई ये पबजी वालों ने इस गेम में डाली ही क्यों है, लोगों को मरवाने के लिए, लेकिन आज जाके थोड़ा समझ आया कि भाई इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो इसी का फ़ायदा उठाते उठाते धीरे धीरे होले होले रस्ते में एक एक कंपाउंड का ग्राउंड फ्लोर लूटते लूटते हम आगे आगे जा रहे हैं और भाई हमें जाना है मिलिट्री बेस, वो भी हमें करना है ब्रिज क्रॉस। और यहाँ पर जस्ट चुच्ची सी जब एचपी बचेगी ना उससे थोड़ा सा पहले हम यहाँ पर जोन में आ गए, ठीक है। जोन के अंदर एंट्रेंस मिल गई लेकिन अगला जोन भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड है हल्का हल्का, मतलब हर एक का छोटा छोटा जो ग्राउंड फ्लोर है वो लूट लेता हूँ मैं हल्का हल्का, और साथ साथ हमें जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि देखो जोन अगर आप देखो ना तो जोन पूरा का पूरा मिलिट्री बेस जा रहा है, पोज करके देख सकते हो आप लोग। अब मुझे यहाँ पर ब्रिज क्रॉस करना है, ठीक है। अब आपको पता है ब्रिज कैंप होता है ऐसे कंडीशंस में। अब मैं आपको जरा बताऊंगा कि ब्रिज क्रॉस कैसे करना है, मतलब कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आप ब्रिज क्रॉस कर सकते हो। आप मुझे जानते हो कि मैं कैसा ब्रिज कैंप करता हूं, जो नहीं जानते जो नवे हैं वो सब्सक्राइब करना, और आपको मतलब मेरी पिछली कुछ एक वीडियोज़ देखो, स्पेशल आपको थंबनेल में दिख जाएगा ब्रिज, तो आप समझ जाना कि इस वीडियो में बूम बाम होने वाला है। तो अब यहाँ पर यही सीन था, देखो सामने देखा मैंने गाड़ी खड़ी है और मुझे अब यहाँ पर सिर्फ वेट करना है। ब्रिज क्रॉस करते हुए पहले वेट किया करो कि पीछे से कोई व्हीकल आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही डाचिया देखा मैं सोचा फॉल बैक लेता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक बाइक वाला आ जाता है जो कि भाई भगवान का रूप था मेरे लिए, क्योंकि भाई देखो कंडीशन ही रहती है, जब मैं भी ब्रिज कैंप करता हूँ तो दोनों बंदों को मारने में दिक्कत कब आती है, जब मैं अपने लिए स्मोक करता हूँ कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, और इतने में एक बंदा मतलब एक बाइक आती है फिर उसके पीछे एक और व्हीकल आता है, तो दोनों को निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पहले आपका माइंड जाएगा कि पहले आगे वाले को उतारो, लेकिन बाद में जाएगा पीछे वाले को उतारो। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में वो बंदा कंफ्यूज हो गया और हम दोनों सक्सेसफुल यहाँ से निकल गए, ठीक है। दो तीन गोली पड़ गई लेकिन जोन आ गए भाई, ठीक है। अब जरा देख रहे हो कहाँ मेरा वहाँ पर -30 होने वाला था जोन के बाहर, और कहाँ हम जोन के अंदर तक आ चुके हैं, और इसमें अच्छा खासा प्लस लेने वाले हैं। मतलब ये वीडियो मेरा कल पता नहीं परसों का है, रिकॉर्डेड पड़ा था, मैंने आपको पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि आगे आने वाले दो वीडियो में बहुत बूमबाम होने वाला है, जिसमें से कल वाली वीडियो में हमने हैकर को ओम चिपकाई और आज हम पूरा गंदे वाला सर्वाइवल करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। अब भाई यहाँ से निकलने की सोची थी कि भाई बगी हमारी पूरी डैमेज कर दी भाई ने, और ये भाई इतना एग्रेशन क्या दिखा दिया कि भाई सीधा पूछ ही कर दिया हमारे ऊपर भाई साहब। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी फिर से वही वाली डायलॉग, पेटी लूट ली जाएगी, सारा माल अपने नाम कर लिया जाएगा, स्मोकिंग सेव्स योर लाइफ का यूज़ करके। तो भाई इस भाई ने यार काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था, अप्रिशिएट दिस। अब देखो भाई हमारे पास इतना माल हो चुका है कि हमारा लेवल 3 का बैग पूरी तरह से भर चुका है, हमारे पास मेड्स हैं, गोलियां हैं, गन्स हैं, सब कुछ है। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ जोन में जाकर अपने लिए जोन बनाना है, लेकिन दिक्कत यह है हमारा व्हीकल फिर से डैमेज है और हमारे पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक M4 का स्प्रे आने वाला है और हम यहाँ पर फट सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जोन में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं जोन के बाहर पहले होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा अंदर गया तो हर तरफ से पड़ेगी। तो यहाँ पर जब मैं नीचे स्मोक देखता हूँ मैं सोचता हूँ चलो इन पर पुश करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से होने वाला स्कैम पबजी वालों का एक नकली सच, मतलब नकली सच, अबे सच नकली कैसे होता है यार, एक ऐसा सच, एक ऐसा गुना जो हर लोग कर रहे हैं यहाँ पर सोलो में, जो सोलो पुश कर रहा है मतलब वो सोलो वर्सेस स्क्वाड पुश कर रहा है आजकल, ऐसा लगने लगा है हमें भी, क्योंकि देखो इस गाड़ी में था एक्चुअली में टीम अप, इस गाड़ी में दो बंदों का टीम अप था, और इसके जो पीछे वाला पत्थर है वहाँ पर एक बेचारा मासूम बेसहारा बंदा बैठा है, जैसे मैं बेसहारा हूँ इस टाइम बिना बगी का। तो अब यहाँ पर भाई देखो जब जोन बनता है मैं यहाँ पर फॉल बैक ले लेता हूँ और सोचता हूँ कि जोन जाऊँगा, लेकिन वो पीछे वाला मासूम बंदा इसके गाड़ी के एक टीम अप को उतार देता है, और जो वो वाला बंदा है जिसने उतारा उस मासूम बेचारे को बिना गाड़ी के हम ओपन में पकड़ लेंगे, और देखो जरा कैसे निपटाते हैं भाई को। तो यहाँ पर यार बंदे के लिए ख़राब लगा, लेकिन भाई दिल से आपके लिए मतलब बहुत खुशी हुई यार, आपने टीम अप वाले एक बंदे को मारा। अब जो दूसरा टीम अप वाला है वो हमें आगे जाके मिलने वाला है, और भाई ये देखो जो आपने ट्रेलर में देखा था, अब ज़रा ये सीन देखना और बताना ज़रा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं कोई स्पेशल सीन के बारे में। अब यार यहाँ पर आप किस्मत कह लो या फिर आप कुछ भी कह लो, लेकिन भाई हम पहुँच गए जोन में, देख रहे हो कहाँ पर मेरा -30 लगने वाला था जोन के बाहर और कहाँ तक हम आ चुके हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ इस गेम में हम अच्छा खासा प्लस लेने वाले हैं। आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, रोटेशंस कैसे लेनी है, देखो जब व्हीकल फटा हुआ था और अगर आप जोन के काफ़ी पास हो, एक कंपाउंड खाली है, तो पहले व्हीकल जोन में घुसा दो ताकि आप इजीली बच जाओ, लेकिन अगर पूरा जोन ओपन में है जैसे अभी बना हुआ है तो बिल्कुल लेट रोटेशन लेने का है हमेशा, क्योंकि देखो अगर आप रोटेशन लोगे और गाड़ी पर स्प्रे आएगा तो रास्ते में गाड़ी फट जाएगी, फिर आपकी मतलब काफ़ी कुछ फट सकता है, तो वो रहता है सीन। अब यहाँ पर देखो हमें सेफली हम यहाँ पर इधर तक आ चुके हैं, जहाँ तक मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा जब मैं वहाँ पर जोन के बाहर फंसा हुआ था, लेकिन एक लग कह सकते हैं और कुछ मतलब एक अपना दृढ़ निश्चय कह सकते हैं, भाई हम हिंदी वर्ड्स यूज़ करेंगे आज, हिंदी हमारी मातृभाषा है,
बहुत अच्छा लगता है भाई वो हिंदी बोल के। तो अब यहाँ पर देखो भाई, इधर सिंपली एक सीन है, हमें अब दोबारा जोन में जाना है। तो अपने इस कंडीशन में क्या करना होता है, देखो ये स्पाइडरमैन की तरह फेंक रहा है स्मोक, भाई पिंग ही नहीं आ रहा मेरा, मतलब पिंग आ रहा है लेकिन पता नहीं क्यों क्या डिसिंग मार रहा है। अब गाड़ी के ऊपर एक स्मोक किया और एक स्मोक वहाँ किया जहाँ पर हमें जोन जाना है, लेकिन दिक्कत ये पीछे वाला बंदा हमें बीटी ना दे तो पहले इसको निपटाया जाएगा दोस्तों, और काफ़ी ईजिली इसकी पेटी बनाई गई, लेकिन माल नहीं लूटा जाएगा क्योंकि माल काफ़ी दूर था हमसे। तो दोस्तों यहाँ पर भाई की पेटी बना दी गई है, पूरी फटी पुरानी गाड़ी फिर से हम लेके जोन में जा रहे हैं, मतलब पूरा टाइम मैं जोन से लड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर सीन क्या होता है, मेरा पिंग पता नहीं क्यों दिक्कत दे रहा है, वाईफाई मतलब पिंग से यार, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या दिक्कत हो रही है इसको, इतना लेट रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पर हमारी पेटी बना दी गई है, अब जरा देख लो कहाँ हमारा -30 होने वाला था, कहाँ हम टॉप 10 में आ गए 6 किल के साथ, और उसके बाद अपना प्लस कितना होगा वो देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत सपोर्ट करते हो, ऐसे ही करते रहना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए See ya! No.